घर में साधु और गुरु वैष्णव सत्संग हो रहा है। देखिए जहाँ पे सत्संग होता है वहाँ पे सारे तीर्थ बैठते हैं, सारे तीर्थ आ जाते हैं। हमारे भारत में कितना तीर्थ है बताए? पूरा दुनिया में कितना तीर्थ है जानते हो? 6 अरब, 6 अरब तीर्थ। एक एक दिन अगर एक एक तीर्थ को जाएंगे फिर तब भी हम निमट जाएंगे, लेकिन तीर्थ घूमना हमारा नहीं हो पाएगा, तीर्थ दर्शन तीर्थ स्नान नहीं हो पाएगा। तो बता रहे हैं कि जहाँ पे हरि कथा कीर्तन होता है वहाँ पे सारे तीर्थ, सारे जितने भी तीर्थ है सब के सब वही स्थान पे आ जाते हैं, उसी जगह पे आ जाते हैं। इसलिए इतना ये सत्संग का महिमा है। देखो हम भगवान के नाम करते हैं, भगवान के एक नाम लेने का क्या महिमा है मैं बता रहा हूँ। किसी समय किसी एक गांव का एक सबसे एक नास्तिक व्यक्ति, कभी भगवान भगवान से उसका कोई लेना देना है नहीं, किसी समय वो एक साधु आए, साधु आके बोलते हैं भैया राम राम बोलो, तो बोलता है आप जो बोल रहे हो वो नहीं बोलो मैं, भैया भगवान का भजन करो आप जो कह रहे हो नहीं करूंगा। तो साधु ने बाद में जैसे ही देखा कि पीछे पड़ गया तो लोग वो व्यक्ति क्या क्या बाथरूम में घुस गया। साधु तो होते ही जीव के उद्धार करने के लिए आते ही, जीव के कल्याण करने के लिए, बोले बाथरूम खोलो भगवान का नाम लो राम राम बोलो, बाबा आप जो बोलते हो ना वो नहीं बोलूंगा। बोले क्या नहीं बोलोगे? बोले राम नाम नहीं बोलूंगा। तो तुमने तो बोल दिया, तुमने तो बोल ही दिया। तो साधु वहीं से फिर चले गए। कुछ दिन के बाद उसका मृत्यु हो गया, बात को समझना, कुछ दिन के बाद वो मर गया। भयंकर पाप किया था, भयंकर कष्ट, भयंकर उसका सब चीज, इतना भयंकर पापी था कि उसको नरक भोगना पड़ता। यमदूत आके ले गए यम महाराज जी के पास, देख रहे हैं कॉपी खोल गए, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त देखते ना, चित्र यानी फोटो, जो हमें गुप्त रूप में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं ये सारी चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त को पूछा गया कि भैया क्या कर, दिखाओ इसका कॉपी खोलो। यम महाराज पूछने लगे, तो जैसे ही कॉपी खोलने लगते हैं, ये पूरे जीवन भर पाप ही पाप किया है, कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, कुछ पुण्य दान धर्म कुछ कुछ भी नहीं किया है। तो चित्रगुप्त बोलते हैं प्रभु इसने जीवन भर पूरा ऐसे ऐसे पाप किया है, ऐसा ऐसे बात है, ये नरक ऐसे ऐसे पूरा फिक्स्ड हो गया इसके लिए जाना है। लेकिन इसने एक बार किसी साधु के कहने से एक बार राम बोला था, क्या बोला था? राम। क्या बोला था? राम। एक बार केवल भगवान का नाम राम लिया था, बस एक बार राम नाम का क्या फल है इसको बता दीजिए। अब यम महाराज सोच में पड़ गए, भाई राम नाम का एक बार जो राम नाम जप करते उसका क्या फल है। यम भी घबरा गए, सोचने सोचने लग गए। तो ये तो कलिकाली जीव तो होते ही चालाक, बोलते हैं मुझे एक एक राम नाम का आप मुझे क्या कर दो फल दे दो। तो उसको बोला गया कि चलो मेरे पास तो कोई नहीं है, ब्रह्मा के पास चलते हैं पूछने के लिए। तो वो बोला कि ब्रह्मा के पास चलेंगे, ठीक है चलो। तो ब्रह्मा के पास चल गए, ब्रह्मा को पूछने लगे इसने जीवन भर पाप कर्म किया है, एक राम नाम का एक बार बस राम नाम उच्चारण किया है, इसको एक राम नाम का मुझे फल देना है, क्या है एक राम नाम का फल? ब्रह्मा भी घबरा गए, सोचने लगे, चार दिमाग चार मुख है ना, चार अपना चार चार दिमाग लगा लिया ब्रह्मा ने, फिर भी एक राम नाम का क्या फल है वो पता नहीं पाए। फिर बोले कि भाई शंकर जी बता सकते हैं, शंकर ही बता सकते हैं। तो ये लोग ने बोला कि देखो मुझे इधर उधर घुमाओ मत, मुझे यहाँ से उठा के लेके चलो। तो उसको पालकी में बिठा दे, एक तरफ यम महाराज और एक तरफ ब्रह्मा जी, उसको पालकी में उठा के कैलाश की तरफ ले जा रहे। शिव जी देखे भाई कोई बड़ा साधु आ रहा होगा, क्यों ब्रह्मा और यम महाराज जैसे महाभागवत वो उसको उठा के लेके आ रहे हैं, यमदूत आगे पीछे आ रहे हैं, देवतागण पीछे खड़े हैं, लग रहा है कोई बड़े साधु संत आ रहा होगा। शिव जी खड़े हो गए आश्रम से, दूर से ही देख के खड़े हो गए। फिर देखे कि वही हालत है, ब्रह्मा और यम महाराज पूछने लगे कि महादेव
एक बार इसने राम नाम जप किया है, एक राम नाम जप करने का इसको फल दे दीजिए। क्या फल है बता दीजिए। शिव जी भी घबरा गए, इतना महिमा है, इतना महिमा है। शिव जी भी घबरा गए। शिव जी बोल रहे, भाई मुझे भी नहीं पता, ये तो भगवान नारायण ही बता सकते हैं, भगवान ही बता सकते हैं एक बार राम नाम का क्या फल है। तब शिव जी भी कंधे में बिठा करके लेना शुरू कर दिए, धो के लेके जा रहे हैं वैकुंठ की तरफ। जैसे ही वैकुंठ में गए और भगवान से पूछने लगे कि प्रभु इसने जीवन में पूरा भर जीवन पाप किया है, कुछ अच्छा कर्म किया ही नहीं, बस एक बार केवल राम नाम जप किया था, नाम लिया था, उसका क्या फल है। तो भगवान ने बोला मेरे गोदी में बिठा दो। देखो भगवान बोल रहे हैं मेरे गोदी में बिठा दो, अर्थात क्या है, केवल एक बार अगर भगवान का नाम जप कर लिया ना, उसका फल स्वरूप है भगवान का गोद में बैठना, भगवान के धाम में, भगवान के पास बैठना। कितना सुलभ व्यवस्था कर दी भगवान ने। इसलिए देखो चार युग है, कितना युग है, चार। चार युग का चार युग धर्म है। कृते च ध्यायते विष्णु, त्रेतायां जजतो मुखे, द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तनात्। चार युग का चार युग धर्म है। पहले सत्य साल में, सत्य युग में 1,00,000 साल जीते थे, और सत्य युग का युग धर्म है तपस्या करना, और त्रेता युग का युग धर्म क्या है, 10,000 साल जीते थे, त्रेता युग का युग धर्म है हवन करना। उससे फिर एक सुन घट गया, कितना हुआ, 1,000। द्वापर युग का आयु है 1,000, लेकिन उसका जो युग धर्म है अर्चन करना, और कली काल में उसमें 1,000 में से भी एक सुन घट गया, हो गए 100। 100 साल भी आजकल कली काल में कोई नहीं जीता। तो देखो तीनों जो युग का जो युग धर्म है, सत्ययुग का जो तपस्या है, हम तपस्या नहीं कर सकते। तपस्या करने के लिए अपने शरीर को तपाना पड़ता है। किसी को बोलो इस धूप में 1 घंटा खड़े हो जाए, अभी हो सकते हो, किसी का पेशेंस है? कैसे कैसे सत्ययुग में जाके बर्फ में, आइस में, हिमालय में, कैसे कैसे सालों साल, 1-2 दिन नहीं, 1,000-1,000 साल तक तपस्या करते थे। व्रत, व्रत भी हम एक दिन करते हैं, दूसरे दिन सोचते हैं भाई कल ये बना लेंगे, परसों ये बना लेंगे, 10 दिन का खाने के प्रोग्राम कर लेते हैं बस एक दिन व्रत करने से। हाँ सोचते हैं कि नहीं, व्रत भी हम ठीक से नहीं कर सकते। और हवन, कली काल में हवन हम कर ही नहीं सकते। बोले हम तो हवन करते हैं। बोले बताओ आपके कौन सा चीज शुद्ध है, घी प्योर मिलता है, घी देखे हो पूरा पूरा प्योर मिलता है घी? आजकल तो लकड़ी भी पूरा डामाडोल हो गया है सब चीज। और सबसे बड़ी बात तो जो प्रोनाउंसिएशन करने वाले जो ब्राह्मण है, गुटखा सिगरेट प्याज लहसुन मांस मछली मदिरा खाते हुए उनका जो मुख अशुद्ध, और उनको मुख से अशुद्ध करते, सारे के सारे अशुद्ध हो जाते हैं। बड़े बड़े विश्व शांति हवन करते हैं, लेकिन विश्व का शांति नहीं होता, होता है देखे हो, नहीं होता। इसलिए त्रेता में जिस प्रकार हवन करते थे सारे शुद्ध वस्तु से, इस प्रकार हम कलि युग में हवन नहीं कर सकते। तो भैया करें क्या? बोले अर्चन कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे। बोले ठीक है, हम पूजा पाठ कर तो लेंगे, लेकिन हमारा मन बड़ा चंचल है। घर में आरती कर रहे हो, फोन बज गया, आरती एक जगह पर, आरती लेके सीधा फोन के पास, हाँ जी बोलिए, पराठा बनाना है, हाँ ठीक है, वो इधर आरती चल रहा है। और घर में अभी हम मान लो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, सामने बारात जा रहा है या किसी का लड़ाई हो गया पड़ोसी में, कौन कौन जाते हो देखने, जाते हो कि नहीं, थोड़े देर के लिए बाहर आते कि नहीं, क्या हो गया बोल के? इतना चंचल है, हम नहीं कर सकते अर्चन, पूजा पाठ भी हम ठीक से हम नहीं कर सकते। एक तो पूजा करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, एक दिन तो उठ गए 4 बजे, दूसरे दिन 4 बजे से 5 हो गया, तीसरे दिन 6 हो गया, और चौथा दिन बढ़ते गया, फिर अलार्म बजते गए और हम भी लेट उठना शुरू कर दिए। इसलिए हम पूरा पूरा नहीं कर सकते। दान, हम दान भी नहीं कर सकते कली काल में, बल्कि हम तो दान करते हैं। बल्कि हम कुपात्र को अगर दान कर देंगे, इधर उधर के व्यक्ति को दान कर देंगे, हम किसी को दान दे दिया हमें पता नहीं, और उसने जाके किसी को मर्डर कर दिया, तो उसका मृत्यु का फल हमें ही लगेगा, लगेगा कि नहीं? एक समय किसी ने दान दिया, किसी एक व्यक्ति को 10 रुपए दे दिया, किसी भिखारी को, बहुत जीवन भर दान दिया, अंतिम में जैसे यम लोग के पास जाते हैं तो यम महाराज कहते हैं तुम्हारे द्वारा 1,000-1,000 जीवों का मृत्यु का तुम्हारे ऊपर दोष है। उसने तो घबरा गया, बोला कि मैंने पूरा जीवन भर दान दिया है,
अच्छा तो क्या दान दिया है बताओ। बोले सबको दान दिया है। देखो तुमने किसी को 10 रुपए दान दिया था, वो था केवट, उसने एक जाल खरीद लिया और कितने मछली को मार मार के सब बेच दिया, तो सारे मछली तुम्हारे द्वारा मरेगी नहीं, तो तुम्हें पाप भोग करना पड़ेगा, अभी नरक में भेज दिया सीधा, तो दान भी नहीं दे सकते, दान भी देखने देखना पड़ेगा हम किसको दे रहे हैं किसको नहीं। तो वह हम तपस्या नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, दान नहीं दे सकते, पूजा नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते, तो कलिकाल में हम करेंगे कैसे? तो बता रहे हैं कलौ तद हरि कीर्तना। गोस्वामी जी कहते हैं कलि युग के बल नाम आधारा सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलिकाल के केवल एक ही चीज है, वो है केवल भगवान के ये नाम। ये भगवान का ऐसा एक नाम है, इसको नाम करने से इतना सरल उपाय बता दिया, ये नाम करने से तपस्या का फल मिल जाएगा, ये नाम करने से हवन का फल मिलेगा, ये नाम करने से अर्चन का फल मिलेगा, सारे फल इसमें विद्यमान है, सारे चीज इसमें विद्यमान है, ठीक है। और भगवान ने और भी सरल कर दिया कि क्या, न देशो नियम अस्मिन, न कालो नियमस्तथा, न उच्चिष्टाद मुखे अस्मिन हरि सर्वत्र। ना देश काल नियम पात्र का कोई विचार नहीं है। आप बोलोगे कि भाई मैं तो मायके जा रहा हूँ, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, घूमने जा रहा हूँ, कैसे भजन करूं? बोले नहीं, किसी भी स्थान पे भजन कर सकते हो, काल समय का भी कोई सीमा नहीं बताया गया। मान लो आपको 2 बजे आँख खुल गया तो आप 2 बजे हवन तो नहीं कर सकते, उठ के 2 बजे ध्यान भी नहीं लगा सकते, लेकिन 2 बजे आप भगवान का भजन कर सकते हो, ये नाम भगवान का नाम ले सकते हो। कितना साधन सरल सीधा उपाय भगवान ने दे दिया। न उच्चिष्ट आदि मुखे अस्मिन, कि यहाँ तक कि मुख में अगर उच्चिष्ट हो तब भी हम भगवान के नाम जप कर सकते, इतना भगवान का नाम का महिमा है। इसलिए कलिकाल के युग के लिए कलियुग के जो युग धर्म है वो है केवल भगवान के नाम। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिहारी लाल की साहब, भगवान का नाम जप करना ठीक है, नाम करते हो कि नहीं? क्यों, क्या नाम करते हो? सीताराम। सीताराम जप करते है ना, माला है तुम्हारी, तो क्या करते हो? हाथ में करती हो, अपने आप करते ना, कहीं से लिया हो? बालाजी से लिया हो। अब तुम कैसे करते हो? सीताराम तो अच्छी नाम है, लेकिन जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलिजी को विशेषकर कलिजी में ये नाम बहुत बड़ा है, इसलिए इस समय शंकर जी को पार्वती प्रश्न कहती है, जरूर इसके नाम लेना चाहिए। शंकर खुद कहते बोले पार्वती तद आराधना नाम सर्वे सा विष्णु आराधना, जितने आराधना में भगवान विष्णु का आराधना माता पार्वती रोज रोज विष्णु सहस्र नाम सुनो, 1000 विष्णु का नाम है रोज उसमें क्या करते, लेने में समय लग गया 1000। एक दिन शंकर जी बोले पार्वती भोजन हुआ, बोले प्रभु जी अभी भजन नहीं हुआ, भजन की बात कर, अभी तो 1000 विष्णु नाम लेने में तो समय लग गया ना, इसलिए थोड़ा रुक जाओ, शंकर जी को लिखो और तुमको एक सरल नाम बताता हूँ, सरल नाम बताता हूँ जो परिश्रम कम होकर ज्यादा तुमको फल मिलेगा। दुनिया तो यही चाहते ना, परिश्रम कम और माल ज्यादा। बोले क्या बताओ? श्लोक अब पता होगा, विष्णु सहस्र नाम एक श्लोक है, राम राम की रमी रम रम मन रमे सहस्र नाम विष्णुम श्री राम नाम। पार्वती अगर किसी ने विष्णु सहस्र नाम को 1000 राम का नाम ले ले, एक राम का नाम समान 1000 विष्णु नाम ले, कितने राम नाम कितने पार्वती। एक बार राम नाम लो 1000 विष्णु नाम लेने का, तब से पार्वती सीताराम सीताराम। एक दिन शंकर जी कुछ दिन बाद में खैर भोजन में आ गए, पार्वती भोजन में, बोले अगर भोजन करते हो नहीं, आप बड़ी जल्दी बात करते हो भोजन में,
अब तो भजन खत्म होने दो, तुम भजन देंगे, पार्वती पार्वती इधर आओ। और एक नाम बताता हूँ जो कम परिश्रम होगा, ज्यादा फल के लिए। बोले बता प्रभु क्या है? अरे स्लो, बोले सहस्रा नाम नाम पुण्या नाम त्रिरा वित्वात् जलम एक वित्वात् कृष्णस्य नाम। कहते अगर ये विष्णु सहस्र नाम को तीन बार कोई ले ले, तीन बार विष्णु मतलब 3000 विष्णु का कोई नाम ले, बोले एक तो वित्वात् कृष्णस्य, अगर एक बार श्री कृष्ण का नाम ले लिया ना, एक कृष्ण नाम के समान 3000 विष्णु का नाम और 3 बार राम नाम है। देखो पार्वती के भगवान कृष्ण ने ना तभी सोलह कला में बनी थी, राम कृष्ण की फर्क नहीं किए। जैसे पूर्णिमा का चाहते हो तो न पूर्ण है, लेकिन इसमें प्रश्न द्वितीय होता है, उसी तरह भगवान कभी कभी किसी रूप में पूर्ण प्रकाश करते हैं, किसी रूप में बुद्धि कम प्रकाश कर देते हैं। इसलिए कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, वाक्य बिहारी कृष्ण नाम पार्वती को कृष्ण नाम को तब से पार्वती कृष्ण कृष्ण दूसरी बात तो फिर शंकर की भोजन वाले भोजन लिया, मतलब भजन करते मैंने अब जल्दीबाजी करते हैं भोजन के लिए, भजन करने को थोड़ी रुक जाओ। तब शंकर जी वाले इधर आ, पार्वती तेरे को बड़ी रहस्य बात करता हूँ जो बात भी किसको बताए नहीं, बड़ी रहस्य बात करता। बोले कृष्ण नाम से ही एक नाम से, मतलब आप ही तो बोल रहे थे कुछ दिन पहले कृष्ण परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म है सोलो कला में परिपूर्ण, आप ही तो बोल रहे थे। बोले बोल तो रहा था लेकिन कृष्ण खुद कहते हैं। बोले कृष्ण किसको बोले? बोले चंद्रमा को, कृष्ण चंद्रमा को कहते हैं। बोले क्या कहते हैं कृष्ण को? बोले मम नाम सत्यनापि, बोले राधा नाम सबुतम जब करोति सदा राधा ना जाने महिमा की। कहते अगर किसने 100 बार कृष्ण का नाम ले लिया, बोले एक बार तो बोले राधा जी का नाम भी एक बार ले लेते ना, एक राधा जी के नाम के समान कृष्ण के 100 नाम रहा। वृंदावन में जाऊंगा कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलना, क्या बोलते सुने कि नहीं? सब वृंदावन में राधा रानी का नाम लेते हैं, राधा जी का नाम लेते, बोले एक राधा जी का नाम कितने होंगे? पार्वती बोली प्रभु आज आज ऐसा कोई भी नाम नहीं लूंगा, राधी राधी कोई नाम नहीं लूंगा, तो राधा राधा बोलूंगा। शंकर जी बोले पार्वती इसमें भी क्या है? आप तो बोल दिया ना जो कृष्ण का 100 बार नाम लेगा एक बार राधा जी का नाम ले, बराबर राधे राधे बोलो फिर और कौन नाम क्यों बोले? तो देखो पार्वती कहते राधे राधे रंगो चले आएंगे, अगर तुम राधा जी का नाम लोगे ना राधा रानी कुछ नहीं बोले, वो बाकी क्या राधा जी के नाम से राधा रानी खुश नहीं होती, कौन खुश होता है? अगर तुम बिहारी जी का नाम लोग तो राधा नहीं, राधा जी के नाम से कृष्ण, कृष्ण के नाम से राधा। पार्वती बोले प्रभु आप बड़े कंफ्यूज में डाल दी, तुम्हें क्या नाम है? अभी राधे राधे बोले ना कृष्ण कृष्ण बोले, तो देखो पार्वती दोनों का नाम ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 जो हरे है इसका पूर्ण शब्द हरा है, संबोधन में हो जाता है हरे मतलब राधे, मतलब कृष्ण का मन को प्राण को छुपा जो चोरी करती है कौन सी? राधा रानी। कृष्ण मतलब कृष्ण राधे कृष्ण, ये महामंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र पार्वती इस नाम से जब तभी से माता पार्वती क्या करती है? 8 हाथ में देखना, 1 हाथ में माला है ना माता पार्वती की, 1 हाथ में माला है भगवान का नाम, भगवान की नाम भी लेती हूँ, इसलिए कलि जी को हरे कृष्ण नाम, सीताराम बहुत अच्छी नाम है, लेकिन हरे कृष्ण जब नाम लेकर कहते हैं इसमें 3 नाम है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम का नाम भी है, हरे का नाम भी है, कृष्ण का नाम एक अर्थ है साधारण लोग, लेकिन विशेष रूप में जो अर्थ है तो हरे मतलब राधे कृष्ण करिए राधे कृष्ण का नाम। महाप्रभु का नाम सुने होंगे, एक दिन भक्त लोगों ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया, हमने हमारे घर में आपका भोजन है, भगवान ने की शिक्षा देने के लिए बोले देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता, बोले भक्त किसको घर में करोगे? बिल्कुल लखपति, आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब विश्व घर में 1 लाख स्वर्ण मंदिर,
अब तो लोग तो दुखी हो गए, बिल्कुल हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं है। 100 रुपया किस घर में? 100 स्वर्ण मुद्रा है? नहीं होगा। इसलिए बोले प्रभु हम तो जिंदगी में कभी लखपति बन ही नहीं सकते, हमारे घर में 100 भी रुपया नहीं, पर हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे? भगवान बैठा ही समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी का नाम ग्रहण करते हैं। इसलिए मीरा कहती है ले लोरे कोई राम का प्यारा आवाज लगा मेरी, राम नाम के हीरे मती मैं बिखरा मुनि रे, और जिन जिन ने यह मती लूटे उसो माला माल भी, और माया के जो बने पुजारी आखिरी हो असली जो हीरे मती है भगवान की नाम है, भगवान की नाम ही असली हीरे मती है। और यही हीरे मती को जो जगत में लूट लिया, अभी लूटे कौन? तुलसी मीरा बहुत इसलिए सबसे बड़े धनी वही है कि भगवान के नाम रूपी धन को लूटे। अब मेरे तरफ में देखिए, अब लखपति कैसे बने? माला है, जैसे माला में जैसे हरे कृष्ण बोले मेरे साथ, सबसे पहले इसलिए अहंकार का प्रतीक है, इसलिए बाकी हम उसमें लगाते हैं। ये बीच वाला हम लोग वर्षन करके भगवान की नाम से जोड़ते हैं। जब लखपत के जो जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, कितना बार हो गया? 16 बार हो गया। एक बार हरे कृष्ण 16 बार हो गया, एक जो तो बोधि से श्रद्धा है भगवान की 16 बार हो जाती, 2 मत्ती 32 मत्ती, उसमें 108 मोती जब लास्ट में खत्म हो जाती है ना, लंघन नहीं करनी थी, वो बीच में सुमेरी है राधा कृष्ण का, उसको पार नहीं करके फिर उधर से हिमालय लेनी चाहिए। जब खत्म हो जाती है देखो, जैसे जैसे यहाँ पर खत्म हो जाएगी, यहाँ पर खत्म हो जाएगी माला, इसलिए उसको पार नहीं करते कि राधा कृष्ण का फिर घूमा करके दूसरे तरफ से करनी चाहिए। हैं, अगर इसे 16 राउंड अगर कर लिया माला को, 16 हो गया 25,000। अगर किसी ने 64 माला कर दिया तो 1,00,000 भगवान कोई 1,00,000 माला। आज तुम्हारे नाम पर 1,00,000 रुपया बैंक में फिक्स डिपोजिट हो गई। भगवान खुद कहते फिक्स डिपोजिट, ब्याज कितना बैंक वाले फिक्स डिपोजिट, ब्याज मिलता है कि नहीं? ब्याज मिलता है ना, बोले ब्याज कितना मिलेगी? मीरा कहती है दीन दीन भरो आयो दीन में राम रतन। अगर 1,00,000 करोगे कहती है दीन दीन बड़ सबाय, अगर 1,00,000 हरि नाम पर कल तुमको 1,25,000 और 2,00,000 हो गया, और ये धन तुम्हारी कुल बैंक में डिपॉजिट हो रही है, फिक्स डिपॉजिट हो रही है। इसलिए हमारे गुरु गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान का नाम करते हैं ना, उसको 3 काम हो जाते हैं। कितना काम होता है? क्या क्या मैं बोलता हूँ बाद में पूछूंगा, और बोलते हैं इतना महिमा भगवान का नाम ले सकते। पहला काम है जमपुरी में जब महाराज चित्रगुप्त को बुला, चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त फटो गुप्त मतलब छुपा कर, यहाँ पर ना ऑटोमेटिक कैमरा लगा, मतलब हम जीवन में जो कुछ करते हैं उसमें सबके सब रिकॉर्डिंग होती है। कोई बोलेगा नहीं 10 मंजिल ऊपर में 4 तरफ में दरवाजा बंद कर रहा हूँ, कौन देख रहा है? नहीं, सूर्य का किरण वहां फटो ले रहा है। बोले रात को कर रहे हैं, कौन देख रहा है? रात है ना, 10 दिशा है रात, वो वहां पर साकी चंद्रमा साकी, मतलब कुछ भी काम हम चित्रगुप्त से छुपा करके कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी एक भी चीज उनसे छुपा कर कुछ भी नहीं कर सकते, वो सबके सब ऊपर में रेकड़ी हो गए। अब जब मरने का बात रेकड़ी खुला रेकड़ी खुलेगा, इसलिए देखा ना हम जैसे जैसे कर्म करते हैं ना, देखना घर भी वैसे मिलेगा, पति भी ठीक वैसे मिलेगा, पत्नी भी ठीक ऐसे मिलेगा,
बच्चे भी ठीक ऐसे मिलेगा, देखना किसका बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, सवेरे उठे कितना मत चलना छोटे आगे लेकिन किसका बच्चे जिन्हें उठ पटांग होते हैं माँ जी कहते कुरुपचन का शत्रु मान बेटा मिलेगा बस से जिसके पत्नी पति बड़े अच्छे होते हैं किसका पिता ही करता है क्यों जिसकी पत्नी बड़ी अच्छी गड़बड़ी करती है कहते हम जैसे कर्म किया है ना एक एक भी थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं सारे को सारे कर्म के अनुरूप धर्म को वैसे मिला पति वैसे मिले पत्नी वैसे मिले बच्चा वैसे मिला सारी चीज कर्म के अनुरूप हमें मिल रहा है थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं इसलिए उनका नाम धर्मराज। धर्मराज मतलब क्या जो पूरा धर्म को विचार करके फल देने थोड़ी सी उनका थोड़ी इधर उधर नहीं होता है पूरा धर्म को इसलिए उसका नाम धर्मराज इसलिए वो रिकॉर्डिंग है ना ऊपर अपने आप रिकॉर्ड कर रहे मरने के बाद सारे दिन दिखे क्या क्या लेकिन तब यहाँ पर जैसे जो भगवान का नाम करते हैं इसका कितना महीना जब कोई प्रभु का नाम जब करना शुरू करते ना चित्रगुप्त तो जब महाराज बुला बोले इधर बोले क्यों बोले ये व्यक्ति का नाम यहाँ से रजिस्टर से काट बोले किसी बिहारी का नाम ले रहा है कभी नरक नहीं आएगा बोले दूसरा काम किया है बोले बोलो तो वृंदावन में राधा रानी बोलो तो वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती है बोले क्यों बुलाती है बोले रजिस्टर ले आ बोले किस लिए बोले किसका नाम किसमें चढ़ा ये व्यक्ति का नाम किसमें लिख रहा बोले किस लिए बोले भगवान का नाम जब कर रहा है ना वो सीधा मेरे धाम में आएगा कहाँ पर आएगा बोलो वृंदावन आएगा है बोलो तीसरा काम किया मतलब ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में आरती की थाला करना सीखते आरती की थाला मतलब इसीलिए बोले हरि का नाम ले रहे हैं हरि का नाम ले रहे हैं जब भूर भूव मोह जब पार होते हुए जाएगा ब्रह्म लोक को उसको मैं आरती उसको बीच में मैं आरती उतारूंगा क्यों प्रभु का नाम जप कर रहे हैं इसलिए भगवान अर्जुन को कहते बोले अर्जुन हरि का नाम कौन ले सकते सभी भगवान का नाम पापी का मुंह से तो प्रभु का नाम नहीं ले सकते भले ही बैठी करके किसी बहू ने ऐसे किया उसकी सास ने ऐसे कर रहे उसका पति को झगड़ा उतना सारा दुनिया आ गया इधर उधर बोल सकते हो उतना हरि का नाम ले तो समय का हमारे पास में इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कृष्ण अर्जुन को कहते बोले अर्जुन कौन मेरे नाम को ले सकता है बोले जय सत जन्म वासुदेव समर जन्म के हरि नामानी सदा तिष्ठति आरते अर्जुन वही व्यक्ति मेरे नाम को ले सकता है जिसने एक जन्म ने जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने मेरी सेवा पूजा किया है एक जन्म में 100 जन्म जिसने मेरी सेवा पूजा किया तभी किसी जीवन में मेरे नाम को सुनने तो बैठ गए दुनियादारी कुछ भी नहीं उधर उधर इसलिए जब नारद जी बाल्मीकि को बोले दशरथ नगर में लिखा उसको बोले बोलो राम जोर से बोलो बोलो लेकिन उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला बोले क्यों नहीं निकला वो पापी था ना वो पाप कर्म करता था हैं इसलिए उसको मुंह से नाम नहीं निकला इतने में नारद जी बोले तू बोलता था मारो मारो हाँ डाकू था ना डाका डालता था तो तू मारो मारो बोलता था बोले मरा मरा बोल मरा मरा इसलिए उल्टा नाम जब तब जब गाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म सपना नाम ले तो भव सिंधु सुखारी विचार ग्रह अगर वो उल्टा मरा मरा करते करते राम होकर वाल्मीक जैसे रत्ना कर से वाल्मीक हो सकता है अगर हम सीधा नाम ले तो क्या नहीं होगा ठीक है ना इसलिए क्या करें ठाकुर को ठाकुर जी की नाम जप करनी ठीक है ना इधर उधर समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए जितने भगवान का नाम लोग उतना पापा मरी हरे मतलब दिया है हरे कृष्ण कहते हैं हरे मतलब दिया हमारे पाप दुखों का स्वरूप हरे इसलिए हरि से हरे हैं हरे नाम लेते ही पाप दुखों का स्वरूप खत्म हो जाएगा कृष्ण मतलब क्या है हम कहते ना घर में सब कुछ लेकिन मन में शांति नहीं मन में शांत मन बेचैन कृष्ण मतलब क्या क्री मतलब होता है
आकर्षण करना सुना मतलब आनंद करना। जब कृष्ण नाम के मुख शांत मन जो भटकता हुआ मन मर्म नहीं, इसलिए कृष्ण राम मतलब क्या होता है बोले जीवन में जो आराम, जीवन में याद है जीवन में आप क्या चाहते हैं, ही चाह रहे हो ना, जीवन में आराम मिले, सुख शांति मिले, हमारे दुख कष्ट दूर जाए, और क्या चाहते, और तो कुछ नहीं चाहते ना, और कुछ चाहते हो, और तो कुछ नहीं चाहते ना, लेकिन जाएगा कैसे, बोले हरे कृष्ण नाम, जब भगवान का नाम लेंगे सब दुख दूर जाए, जब तेरा नाम लेंगे, ठीक है ना, सबके सब हरि का नाम जप करियो और भगवान की भक्ति करो, हरि नाम करो, ठीक है, और गंदी चीज से दूर रहना, गंदी चीज से दूर रहना, गंदी चार चीज है, जो कली को स्नान किया, पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए, दूसरा नंबर यदि किसी तरह का नस्ली वस्तु न पियो, पान बीड़ सिगरेट अफीम गांजा भांग गुटखा फटका नहीं लेनी चाहिए, चौथा नंबर तीसरा नंबर जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव हिंसा मतलब मांस नहीं खानी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, अंडा नहीं खानी चाहिए, और प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, खाते नहीं ना, खाते हो प्याज लहसुन, और तुम नहीं खाते, बहुत अच्छी कोशिश करना, जैसे प्याज लहसुन एक नवरात्रि आती है ना, फिर नौ दिन तक कोई खाते नहीं, क्यों नौ दिन तो दुर्गा दुर्गा फिर दुर्गा क्यों नहीं खाते हो, क्यों वो क्यों क्यों नदी को पसंद नहीं ना, कभी नहीं खाते हो ना, क्या मैया को नौ दिन के लिए खुश रखते खाते, फिर महाराज करते, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है, जिसको हनुमान जी को भोग नहीं, राम को नहीं, कृष्ण को नहीं, माता जी को नहीं, फिर वो चीज यहाँ पर आए जो भोग नहीं करनी चाहिए, पुराण में बता दिए वो मांस से ये प्याज बना हुआ है, गैया की हड्डी से ये लहसुन बना हुआ है, गैया की खून से ये मसूर दाल बना हुआ, एक दो पीढ़ी खरीद देख लो तुम्हारे घर में कोई नहीं खाता, सब मुसलमान लोगों ने हिंदुओं को धर्म नष्ट करने के लिए उन लोगों ने सब पुराण को ढूंढा, हम लोग गोमांस से नहीं खाते हैं ना, कोई गोमांस क्यों खाते हैं, नहीं खाते, इसलिए उनको जो धर्म कैसे नष्ट करे, इसलिए धर्म नष्ट करने के लिए हमने ये प्याज लहसुन को हिंदुओं के लिए नष्ट कर दिया, प्याज लहसुन खाएंगे तो इनके धर्म नष्ट हो जाए, ठाकुर जो खाते हैं हाँ ये भगवान खाओगे कहते प्रसाद खाना, भगवान को भोग लगाए धर्म को भगवान को भोग लगाए खाने से, सुदामा भगवान को बिना दिए छुपा गए खाए हरे पर बना, और भगवान के लिए दो मुझे चिड़वा दिया था तुमको, इसलिए घर में जो खाना हमने पहले ठाकुर जी घर में भोग लगाया था, ठीक है ना, ठाकुर को भोग लगा करके प्रसाद पाओ, खाने से घर में माँ लक्ष्मी जी भी घर में कृपा होगी, ठीक है, बोलो फिर वृंदावन आनंद की जय, सबके सब सबके सब भगवान के नाम जप करो, ठीक है, करती हो नाम नहीं जप करती हो, अब करती हो इसका काश करती हो, कौन सा इसलिए देखो कली युग में जो है ना, कली युग में विशेष कर कली युग में जो हरे कृष्ण विशेष, इसलिए हरे कृष्ण महा विशेष प्रभाव किसी नाम का, शंकर जी पार्वती को लिखा है सोलह सत नाम पार्वती सोलह नाम बत्तीस अत्यधिक कलिता पाप को नष्ट करने वाले उपाय कोई उपाय कलयुग में इतनी सोलह सत को शंकर जी कह गए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नाम कलयुग में इसकी विशेष महत्व है, इसलिए ये अच्छी बात हो कोई बात नहीं कही कि हरे कृष्ण को जपा होगा, ठीक है, और याद को छोड़ कर छोड़ करके ठाकुर जी को भोग ला कर खाओ और भगवान का नाम जप करो और जीवन में सुख, ठीक है, हर की जय आनंद की जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण, इधर माला है तुम्हारे पास में, तुमको माला देता हूँ, तुमके पास में कुछ है, तुमको इसमें माला देता हूँ, ठीक है, कि माला में हरे कृष्ण नाम जपता